आपको बता दें, बिल्हौर तहसील में तहसीलदार ने भ्रष्टाचार की सारी हदें पार कर दी हैं, यह कहना है बिल्हौर तहसील के वकीलों का। आज बिल्हौर ब्लॉक में आयोजित समाधान दिवस में आए अधिकारियों से उक्त शिकायत बिल्हौर तहसील के वकीलों के संगठन द्वारा की गई। उन्होंने बताया कि बिल्हौर तहसीलदार तिमीराज सिंह द्वारा अनुसूचित जाति के खेतों का दाखिल खारिज बिना जिलाधिकारी की आज्ञा लिए ही किया जा रहा है। संबंध में राजस्व परिषद के शासकीय अधिवक्ता सुशांक मिश्रा ने बताया कि तहसीलदार ने कृषि भूमि की धारा 143 के तहत जमीन भूमि को आकर्षक घोषित करवाकर उसका दाखिल खारिज कर दिया, जबकि कानूनन ऐसा कोई प्रावधान धारा 143 में नहीं है। इसके बाद जब उन्होंने तहसीलदार के यहाँ इसके खिलाफ मुकदमा किया और इससे राजस्व सरकार का अहित होने का हवाला दिया, तो तहसीलदार ने उन्हें पद से ही हटवाने की धमकी दे डाली। इससे अधिवक्ताओं में आक्रोश व्याप्त है। जो व्यक्तिगत लैंग्वेज है उनमें बहुत अच्छी नहीं, सब अधिवक्ता हो सकते हैं। आप बता रहे हैं गाली गलौज, आप बताइए गाली गलौज को समझ नहीं पा रहे, हम उनको नहीं समझ पा रहे, इतना गाली गलौज नहीं करने लगते हैं। लैंग्वेज के साथ साथ जैसे कोई भी कार है, छोटा से छोटा कार है, 38 की फाइल है, सीधे प्रसारित करना है। अगर SDM महोदय को आदेश करना होता है उसमें पूरी फाइल देख के उसको भी कार रख ले, रोक ले, परेशान हैरान करना, महीने महीने पर रोक का मामला। मैं सरकारी वकील हूँ आपके, मैम SC की जमीन बगैर DM साहब के परमिशन के नहीं हो सकती जी। मैम ठीक, तहसीलदार साहब ने ये मैम, तो मैम मैम समस्या ये मेरे साथ जब उन्होंने ऐसी भद्रता की तो आम जनमानस के साथ क्या कर सकते हैं, इसलिए मैंने एप्लीकेशन दिया। मैंने आपको भी कल शाम को अवगत कराई थी बात, हमारा संगठन है। बिल्हौर तहसील से संवाददाता मुजीब खान की रिपोर्ट।